बहुत कुछ लोग कम लोग हैं, मेरे वजह भी कम। अगर कोई लंबी में गाय मरी है बीमा तो करे आगे के लिए, पर जो गाय मर गई है उन गायों को कल में जाके जयपुर के अंदर, जैसे मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक बटन दबाया था, बटन दबाते ही तमाम महिलाओं को, 14 लाख महिलाएं जो बैठी हुई थी पूरे राजस्थान में, बटन दबते ही सबके खाते में 3-4 मिनट के अंदर 500 रुपये सिलेंडर वाली स्कीम है उसके 640 रुपये उसको वापस उसके खाते में आ गए, बैंक खाते में आ गए थे बटन दबते ही। कल बटन दबाऊंगा मैं, आंकड़े में भूल गया हूँ कितना है, और 140 करोड़ के अलग में होगा पैसा मेरे ख्याल से, 30-40 हजार गायें होंगी, 40-45 हजार जो मर गई है लंबी रोग से, ये बीमारी मारी आई थी अपनी कोरोना की, उसी टाइम की बीमारी आ गई गायों के अंदर आ गई, जितनी गाय हिंदुस्तान भर में मरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा केंद्र सरकार को इनको पैसा मिलना चाहिए, हमने तो उसे पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, हमने पहले ही मेरे बजट में घोषणा कर दी प्रति पशुपालक को गाय मर गई है एक गाय का मैं 40 हजार रुपये दूंगा उसको बचत मृगन है वहाँ पर गाय खरीदने के लिए दूंगा। कल मैं बटन दबाऊंगा लगभग 140 करोड़ रुपये 3-4 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में, क्योंकि संख्या कम है, 14 लाख औरतें थी, ये तो हजारों में ही है, इन सब के खाते में 40-40 हजार रुपये पहुँच जाएंगे कल 3-4 मिनट में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से सारा काम IT में चल रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इतने माजिद ने स्कूल की बात करी है और कोई अवाना साहब ने कहा मेरे कोई तहसील बनाई क्या कोई तहसील, ये जो आप मुझे कहोगे सब हो जाएगा। मैंने कह रखा है तुम मांगते मांगते थक जाओगे मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते रहो मुझसे मैं उसको पूरा करता रहूंगा। अगर बच भी गया तो जो माहौल वो लग रहा है सहकार आप रिपीट करोगे तो तब कर देंगे, चिंता क्यों करते हो, तो विश्वास होना चाहिए हमें, विश्वास होना चाहिए। यही बात कहता मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।